हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा प्रोलैक्टिन टेस्ट क्या होता है, प्रोलैक्टिन टेस्ट क्यों कराया जाता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और प्रोलैक्टिन टेस्ट के प्राइस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, प्रोलैक्टिन टेस्ट क्या होता है। प्रोलैक्टिन टेस्ट एक प्रकार का हार्मोन होता है। ये महिलाओं को गर्भवती होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मस्तिष्क में पाए जाने वाले सबसे छोटी ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा बनाया जाता है। इस हार्मोन का मुख्य काम ब्रेस्ट टिश्यू में दूध बनाने का होता है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, जिस कारण से स्तन का विकास होता है और लैक्टेशन होता है। प्रोलैक्टिन टेस्ट महिलाओं तथा पुरुषों में और भी कई कारणों से किए जाते हैं। नंबर टू, प्रोलैक्टिन टेस्ट क्यों कराया जाता है। प्रोलैक्टिन टेस्ट निम्न कारणों का पता लगाने के लिए कराया जाता है, जैसे महिलाओं में अनियमित पीरियड्स, थकान, कमजोरी महसूस होना, कम भूख लगना, गर्भवती होने में समस्याएं होना, बांझपन। महिलाओं में इस प्रकार से समस्याएं होने पर प्रोलैक्टिन टेस्ट कराया जाता है। पुरुषों में लो स्पर्म काउंट, नपुंसकता, थकान, कमजोरी महसूस होना, कम भूख लगना, पुरुषों में बालों की कमी, यदि इस प्रकार से कोई समस्या होती है तो प्रोलैक्टिन टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। अब आइए जानते हैं प्रोलैक्टिन टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है। प्रोलैक्टिन की नॉर्मल रेंज महिलाओं में 2 से 35 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के बीच में होती है। गर्भवती महिलाओं में 35 से 350 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के बीच में होती है। पुरुषों में इसकी नॉर्मल रेंज 2 से 17 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के बीच में होती है। प्रोलैक्टिन टेस्ट कैसे होता है। ये टेस्ट नॉर्मली ब्लड से होता है, जो आपके बाजू से लिया जाता है। प्रोलैक्टिन टेस्ट खाली पेट कराना अच्छा होता है। अब आइए जानते हैं प्रोलैक्टिन टेस्ट का प्राइस कितना होता है। प्रोलैक्टिन टेस्ट का प्राइस 700 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ के बीच में होता है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।